जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग हे कंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा घट घट व्यापक सतगुरु जिम आकाश सब माहे सो जान है इस भेव को कृपा दृष्ट है जाहे घट घट व्यापक सतगुरु जिम आकाश सब माहे सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहेगुरु अकाल पुरख सबरूप सच्चे पातशाह दासां गरीबां सिखां सेवकां दी सदा इज्जत रखण वाले पत रखण वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले धन धन अंतरजामी सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़े ही प्यार दे नाल सारी सिख संगत कोई रसना वांझी ना रहे प्यार सत्कार नाल गज के कहो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी दी पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाए मान साध संगत जी
आप जी बड़े ही प्यार नाल सतगुरु जी की पवित्र पावन हाजरी विच सज के बैठे हुए हो। सतगुरु जी की अमृतमयी बाणी का पाठ कीर्तन आप जी ने प्यार दे नाल सरवण किया। आओ सारिया संगतां हाजरियां सच्चे पातशाह जी के चरणों में लवाइए, दोवें हाथ जोड़ के प्यार सत्कार नाल गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत प्रेम नाल कहो धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज। 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 निमाणिया दे माण, नितानिया दे तान, न्यौटिया दी ओट, नितिरिया दी धिर, न्यासरिया दे आसरे, निजुरिया दे जोर। धन धन श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी की कथा आप जी प्यार नाल सरवण कर रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह बैठे है गोइंदवाल साहब जी की धरती ते, बेअंत सिख महाराज जी की पवित्र पावन हाजरी में बैठे हुए है। जिथे होर सिख बैठे हुए है उत्थे धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी बैठे हुए है। बाबा बुढ़ा साहब जी ने सच्चे पातशाह जी के चरणों में बेनती की, महाराज सच्चे पातशाह कृपा करो, सिख किहो जिहा होना चाहिए है, महाराज सानू सिख बारे दसो। तो सतसंग जी आप जी ने सुनिया, महाराज सच्चे पातशाह जी ने दसिया। महाराज कहन लगे सिख ओ है जेड़ा गुरु की मत नू पक्कियां करके रखदा जी, पक्कियां करके रखदा, गुरु जी की मत नू छड़दा नहीं जी। गुरु की मत की है ये गुरु अमरदास जी ने व्याख्या की जी। कोई भी बंदा है सतसंग जी जे ओदी शुरुआत वधिया होएगी ना ते ओदा अंत तक काम वधिया चलता जाएगा जी। गुरु साहब जी ने सब तो पहला दिन की आरंभता की गल की, सिख का दिन आरंभ किवें दा होना चाहिए है। बड़े ध्यान ना सुनना, अमृत वेले उठ के इशनान करके सुरत वाहेगुरु जी दे विच जोड़े जी, शब्द विच जोड़े जी, होर नहीं। ते सतसंग जी तुसीं जतन करके वेख लियो, जिस दिन अमृत वेले उठ के तुसीं घड़ी बैठ के सिमरन कर लोगे ना, उस दिन दा बाकी दिनां नालों फर्क होएगा जी, फर्क होएगा। क्यों? उस दिन अमृत वेले उठदियां सारी वाहिगुरू जी का चेता आया जी। हिंदू धर्म के विच अमृत वेले नू ब्रह्म मुहूर्त कहिंदे आ जी, रब नाल जुड़न का समा जी। अमृत वेले सिख उठे, भजन करे, सिमरन करे, ते जिदे कोल अमृत वेला आ गया ते सुरत शब्द विच जुड़न लग पी ना जी, हौली हौली सहजे सहजे वकार सारे आपे ही छुट जाने जी, आपे ही छुट जाने जी। हजूर महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज दी बाणी बड़ी सख्त हैगी है जी, अमृत वेले दे प्रथाए जी। बाबा फरीद साहब जी तेथों तक कहिंदे, फरीदा पिछल पैर ना जागयो जीवन दड़ो मोयो हे। जे तू पिछल पैर नहीं जागता ज्यौंदा ही मरे दे बराबर हैगा कहन लगे। अमृत वेले दी किड्डी वड्डी महानता। फिर महाराज ने दसिया सिख की छके, किस तरह छके, किन्ना सौवे, किस तरीके नाल सौवे, काम क्रोध मोह दा विकार छड़े, झूठ निंदिया करनी छड़े, ये काम जेड़ा सिख करेगा वह साढ़े विच ही आ के मिल जाएगा जी। बड़ी अमोलक सिख्या सीगी कल जिहड़ी संगतां ने तुसां ने सरवण कीती, हुण इहदे तो अगे जो प्रसंग है वो आपां बड़े प्यार दे नाल सरवण करना है। भागां वाले गुरसिख सन जिन्हां ने गुरु जी की सिख्या सुनी ते सुन के हिरदे विच धारण कर ली जी।
मुख मसला इत्थे आके रुक जांदा है। हिरदे दे विच गुरु जी की सिक्ख्या धारण नहीं हुंदी जी। भागां वाले सिखां ने सुनी ते होर जिन्हां दे वड्डे भाग सन उन्होंने सिक्ख्या धारण की ते वाहिगुरु जी दे नाम विच उन्हां दा प्यार लग गया जी। हुण इहदे तों अगे आपां कथा सुननी है। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां सिख संगतां दोवें हाथ जोड़ के गज के कहो धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज। सब सिख संगत गज के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा घट घट व्यापक सतगुरु जिम आकाश सब माहे। भाई संतोख सिंह जी लिखते सत संगत जी गुरु साहब सच्चे पातशाह घटा घटा विच व्यापक ने जी। हर थान गुरु अमरदास साहब मौजूद ने जिमें सत संगत जी आकाश सारियां थावां ते मौजूद हैगा जी। बड़ी एक सेंथेंटिक जी उदाहरण है। कोई बंदा किते जावे ये नहीं कह सकता भी उत्थे आकाश नहीं सी हैगा जी। आकाश ते सब थावां ते हैगा जी। केंदे जीवें आकाश सारियां थावां ते मौजूद है इसे तरह सच्चे पातशाह गरीब नवाज भी सारियां थावां ते मौजूद हैं। तू सबनी थाई जिथे हो जाई। हाँ जी। सो जन है इस भेव को कृपा दृष्ट है जाहे। पर सारे बंदे इस गल नूं समझ नहीं सकते जी। हर मनुख इस गल दा भेद नहीं जान सकता। कवि संतोख सिंह लिखते प्यारियो गुरु जी नूं हर थां ते ओह बंदा वेखेगा जिस उत्ते मेहर की दृष्टि है, जिस उत्ते कृपा की दृष्टि है। जिहदे उत्ते मेहर कृपा नहीं ना जी हैगी जी वह इस गल नूं नहीं जान सकता जी। वह समझदा है गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरुद्वारे ही हैगे है, गुरुद्वारे मत्था टेक के गुरु नूं छड्डा ही होणी किते लोड़ हैगी जी। हाँ जी। पर जिन्हां उत्ते मेहर हुंदी है ना वह फिर समझदे है। गुर मेरे संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले, गुर मेरे संग सदा है नाले। अच्छा पढ़ लेना भी होर है, पढ़ लेना भी होर है। जिन्हां उत्ते मेहर हो जाती उन्हां दी खेड वक्री हो जाती जी। हाँ चौपाई एक दिन देख स्थल गुर गए। एक दिन सच्चे पातशाह लंगर वाली जगह गए दी जिथे पंगतां लगदियां। हाँ जी। सिख सर्व ही संगी पए। महाराज जी दे सारे सिख गुरु साहब जी दे नाल सन जी उस समय। हाँ जी। लवण बहीन ओगरा खाएव। महाराज गरीब नवाज जी फिक्का दलिया छकण लग पए जी श्री गुरु अमरदास साहब जी। पानी पान कीन तृपताएव। ते उपरों महाराज ने रज के जल छकिया जी। हाँ जी। खट रस को आहार शुभ भांति। छे तरह का रसां का प्रशादा जेड़ा सी ना जी। हाँ जी। सत संगत अचव्यो कर पाती। वो संगत वास्ते तैयार सीगा जी। खट्टे पदार्थ, लूणे पदार्थ, मिट्टे पदार्थ, कसैले पदार्थ, सारे तरह के पदार्थ जेड़े है ना वो संगत वास्ते तैयार सन जी। हाँ जी। सूखम ओदन पायस कनी। हाँ जी। सरपी सिता स्वाद सो सनी। संगत वास्ते बरीक चौल पा के बड़ी वधिया खीर बनी हुई सीगी जी। हाँ जी। सूखम ओदन पायस कनी वधिया चौलों की खीर बनी हुई सीगी जी। सरपी सिता स्वाद सनी ते जिथे बिच खंड पई है ना संगत दी खीर दे बिच घ्यो भी पिया होया सीगा जी। हाँ जी। अनेक भांत की सूप बनाई। होर बड़े तरीकियां दियां सब्जियां संगत वास्ते तैयार सन जी। डाल मसाले स्वाद रसाई। बड़े बड़े मसाले पा के बड़ी बड़ी स्वाद वस्तु जेड़ी सी तैयार की गई जी। बहुत वधिया लंगर
गुरु जी दियां संगतां वास्ते तैयार कीता गया जी। गोधम चून सो फुलका करे, फिर कणक दे आटियां दा वाहिगुरु कणक दे आटे दा प्रसादा जी। उदों ना जी कणक दा आटा बड़ा दुर्लभ हुंदा सीगा जी, बहुते मक्की दे बाजरे दे इहो ही चलदे हुंदे सीगे जी। कणक दे आटे दा प्रसादा सारियां संगतां वास्ते तैयार सीगा जी। मृदुल पात्रे बहु कर धरै, फिर बड़े नरम नरम ते पतले पतले ते वधिया प्रसादे बनाए जी। बेबियां ध्यान ना सुनियो जिहड़ियां लंगर पकाउंदियां जी। हाँ जी, वह देखीदा जी गुरपुरबां ते जदों बीबियां लंगर पकाउंदियां वह प्रसादे सड़े ही हुंदे जी विचों जी। बड़े कई कई ते बहुत मोटे हुंदे आ, आटा विच कच्चा हुंदा जी। आ वेख लो गुरु अमरदास जी का लंगर किवें तैयार हुंदा, गज के आखो वाहिगुरु। मृदुल पातरे बहु कर धरै, फुलका बनिया प्रसादा बनिया पर बड़ा नरम हैगा जी, पतले पतले है, बड़े वधिया प्रसादे है जी। इत्यादिक शुभ होत आहारा, पिख कर बुढ़े बाक उचारा। इस तरीके नाल बड़ा सोहना प्रशादा तैयार होया, खीर बनी विच घ्यो पाया, सब्जियां बनिया ने, चौल बने हैं, फिर प्रशादे बने हैं बड़े वधिया। हाँ जी, श्री सतगुरु जी परम कृपाल, धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने देखिया जी, ते धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी श्री गुरु अमरदास जी नू बेनती करन लगे जी। होत आहार अनेक रसाल, सच्चे पातशाह गरीब नवाज महाराज आप जी दे वास्ते बड़ा वधिया प्रसादा तैयार होया महाराज। हाँ जी, गज के आखो वाहेगुरु। आप जी दियां संगतां वास्ते वाहेगुरु। हाँ जी, सो सब संगत अचै सो चीन, महाराज संगत ने बड़े स्वादी पदार्थ छके है, खीर छकी है, सब्जियां छकियां ने। हाँ जी, आप ओ गरा लवण बहीन, पर सच्चे पातशाह तुसां फिका दलिया ही छकिया महाराज। दलिया बनिया उहदे विच भी लूण मिर्च नहीं हैगी ना मिठा हैगा जी। महाराज आप जी ने दलिया ही छकिया फिका जिहा। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਅਚਹੈ ਸਵਾਦ ਰਸ ਭੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਕਾ ਦਲੀਆ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਦਲੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸ ਤੁਮ ਅਚਹੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਅਚਹੈ ਰੀਤ ਇਹ ਹਿਤ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਹੇ ਨਹਿ ਨੀਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਛੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਵਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੇਟ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਏਵ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਮਮ ਹੀ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਕਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਕੋ ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜ ਸੁਣਾਇਓ ਅਵਸਰ ਲਹਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਦਲੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਪਰ ਸਨ ਬੁੱਢੇ ਪਰ ਭਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਜੀ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 'ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਉੱਤਰ ਦਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਅਰ ਮਮ ਮਾਹੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜੀ ਅਤੇ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੇਦ ਦੋਹਨ ਮੈਂ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸੰਗ ਅਭੇਵ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖ ਤੇ ਸੁਖੀ, ਖੇਦ ਤੇ ਖੇਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਰੁਚ ਕਰਤ ਆਹਾਰਾ, ਸੋ ਮੁਝ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵਾਦਲ ਸਾਰਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਰੁਚ ਕਰਤ ਆਹਾਰਾ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਛਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤੇ ਚੁਰਾ ਬਚਨ ਇਮ ਕਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਚੁਲਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਕੇ ਚੁਰਾ ਦਿਖਾਵਨ ਕੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਕਲ ਆਸਨ ਕੰਨ ਤਿਸਮੈ ਚੀਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਚੁਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੀਰ ਸਾਰਾ ਚੁਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਇਸ ਆਦਿਕ ਦੇਖਣ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੀਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨਿਜ ਧਰੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਛੱਕ ਰਹੀ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਛਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੇਗੀਆ ਸਿੱਖ, ਰਸੋਈਆ ਸਿੱਖ,
थाल सजा के ना महाराज सच्चे पातशाह जी दे अगे लैके आया। सच्चे पातशाह प्रशादा छक लो, महाराज कहिंदे असीं रज्जे आ। ओह कुछ समय बाद फिर आ गया, महाराज छक लो, महाराज कहिंदे असीं रज्जे आ। ओह सिख उत्थे बैठा सीगा, देगिया कहन लगा भी तुसीं ते महाराज दे कुछ छकिया ही नहीं है। महाराज कहिंदे असीं साग छकिया। गज के आखो, वह सिख का शंका हल हो गया भी वाह 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 वाह, वह मेरा साग पहुँच गया महाराज तक। एक नहीं एरे ते बड़िया साखिया ने जी। भाई कट्टू दा वो जड़ा शहद सीगा छेवें पातशाह दा प्रसंग वो भी तुहानू पता। सो जेड़ा सिखा नू छकाओ ना वह गुरु साहब तक आपे ही पहुँच जाता जी। हाँ जी, आप अचावह अचवह आपे, आप ही वेखो संगत नू तैयार कर कर छकाउंदे है महाराज, आप ही संगत रूप होके छकदे है। आपे सब घट थाप उथापे, धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर फुरना बनाया। ये महाराज दी अपनी लीला है सारी। गज के आखो, असी नहीं कुछ कर सकते। सगरी अन अंश दिखराई, सारा पदार्थ जेड़े सन उन्हां दी अंश जेड़ी है वह महाराज ने चुड़ी विच विखा दिती। हाँ जी, पुन श्री सतगुर बरन सुनाई, ये कह के महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने होर कृपा की जी, बचन भी सुनाए बाबा बुढ़ा जी नूं। हाँ जी, दंतन जाड़न मह लग जोई, सिख को कीन दिखावन सोई। अच्छा, ये कार्य कदी नहीं सी महाराज ने किया, अज ही करके विखा रहे हैं। महाराज मुख खोल के कहिंदे वेखो मेरिया दाड़ां च की लगा। गज के आखो, महाराज कहिंदे वेखो लगी ना खीर। महाराज कहिंदे अहीं छकी है। हाँ जी, परम हितु ब्रिध तू बुद्धवंता, महाराज कहिंदे बाबा जी तुसी साडे प्रिय हो, प्यारे हो, बड़े सियाने हो। हाँ जी, निश्चय मेरो यही मतंता, मेरी ये मत निश्चय कर लो, जो संगत छकदी हो मैं छकदा। कदी गुरु साहब नू कुछ छकाउण दा जी करे ना, वह गुरु दियां संगतां विच लिया के वरता दिया करो, समझो सतगुरु तक पहुँच गया जी। हाँ जी, संगत अचहै प्रेम के नाल, संगत महाराज कहिंदे जो प्यार नाल छकदी है। हाँ जी, सो मुझ पहुँचै सब ही काल, वो सदा मेरे कोल आपे ही पहुँच जांदा। गज के आखो, हाँ संगत मोबिन दूसर नाही, एक रूप जानो मन माही। महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहन लगे बाबा जी गुरु दी संगत ते गुरु नू एक रूप ही जानना जी। गुरु दी संगत ते गुरु एक रूप ही है। ए नहीं संगत नू मारे दबके ते गुरु नू खुश करन दा जतन करे, गुरु ने खुश नहीं होना जी। सुन कर ब्रिध बचन सतगुर की, धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने सच्चे पातशाह जी दे बचन सुने जी। महा प्रमोद प्रेम जुत धर के, ते बाबा जी बड़े खुश होए जी, बड़े प्रसन्न होए, वाह सच्चे पातशाह तुहाडी खेड कमाल है। चरण कमल पर सीस टिकायो, ते बाबा जी ने पता की किया जी, धन बाबा बुढ़ा साहब जी प्यार बेच आए ते गुरु अमरदास जी दे चरणा ते सिर टकाई दिता जी। लो सुरत करके टकाओ, आखो धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज। सो जस विशाल करत हुलसायो, ते महाराज दा बड़ा जस कीता, इन्ना वड्डा माण जी। नहीं ते हो जे भी गुरु अगे च जेड़े संगत नू दबके भी मार दे ते टिच भी नहीं जान दे जी, पर गुरु अमरदास साहब गुरु नानक साहब दियां संगतां नू बड़ा ही माण देंदे जी, बड़ा ही माण देंदे जी। इत्थों तक एक साढ़े सियाने बजुर्ग कहिंदे हुंदे सीगे गुरु 20 बिसवे संगत 21 बिसवे। हाँ जी, संगत अधिक ब्रिधि गुर केरी, उधरों यह प्यार बड़ा महाराज संगत ना कर दे जी। जदों संगत नाल प्यार करना संगत ने वधना जी,
ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਬਡੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਮਹਿਦ ਵਿਸਤਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਭ ਨਿਰਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇਮ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਹੈ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਨ ਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਨਿਤ ਕੀ ਕਰ ਸਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਹੈ ਸੌਚ ਸੰਗ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਬਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੰਨ ਮੱਝੈ ਪਹਿਰੈ ਪਟ ਨਿਰਮਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਇਕੰਤ ਥਲ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਿਤ ਟਿਕਾਏ ਨਿਜ ਰੂਪ ਮਝਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਗ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਲੇਹ ਆਨੰਦ ਤਿਸ ਕੋ ਹਿਤਕਾਰੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਭੋਰ ਹੋਤਲਾ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਵੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਜੀ ਅਵਚਲ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਵਸ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਮੁਦਾਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਦਰਸ ਹੈ ਸੇਵ ਹੈ ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਜਪੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਬਾਬੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ
जी मां गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। ये शब्द गुरु अर्जन साहब जी का है जी। हाँ जी, पर दर्शना वाले शब्द पढ़ते अमृत वेले जी। हाँ जी, चिरंकार लग ठंडे रहै ते फिर संगत सहत सुनहे मुद तरै। गुरु जी ते बाणी सुनदे ही है, संगतां सुन सुन भी शांति लेंदियां आनंद लेंदियां जी। हाँ जी, शब्द पढ़ते गुरु अमरदास जी दे, मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीत मां जियो तुद बिन खरी निमाणी। संगतां शब्द सुन सुन आनंद लै रही ने दी। हाँ जी, चिरंकार लग ठंडे रहा, लम्मा समा संगतां दर्शन करके खलोतियां ही रहिंदियां जी, आनंद ही बड़ा आउंदा जी। हाँ जी, किलक पीत मैं कर सो गह। उधर महाराज किली फड़ के ना जी लम्मा समा खलोते रहिंदे, वाहिगुरु 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 परमेश्वर दा नाम जपदे जी। महामृद जीरन तन होए। अच्छा वेख लो, बजुर्ग शरीर हो गया महाराज दा। महाबृद, थोड़ा बजुर्ग नहीं, ज्यादा बजुर्ग शरीर हो गया। सेवा बड़ी की थी ना जी, गागर बड़ी ढोई जी, शरीर बड़ा बजुर्ग हो गया जी। हाँ, तप को तप है पिख है सब कोई। पुराना शरीर हो गया, तप करदियां नूं सारे वेखदे भी बजुर्ग शरीर है, किली फड़ के वाहेगुरु 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 जप रहे है। हाँ जी, देग सो त्यार होए है जब, जदों लंगर त्यार हो जांदा जी। हाँ जी, संगत सहत अचहै गुर तब, रसोईया सिख आउंदा महाराज लंगर त्यार है, फिर गुरु साहब आउंदे है संगतां दे समेत पंगत विच बैठ के छकदे है। एक दिन जागे प्रभु कृपाल, एक दिन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अमृत वेले जागे जी। करी सोच मजे तिस काल, इशनान पान करन गए सच्चे पातशाह गरीब नवाज। हां जी, हित दर्शन के तनु जा पानी, ते महाराज जी दी पुत्री तन तन बीबी पानी साहब जी। बीबी पानी जी महाराज दे दर्शन करन वास्ते गए जी। पहुंची निकट भगत जेह पानी, ते जिन्हों भगती बड़ी चंगी लगती, बीबी पानी जिन्हों भगती बड़ी चंगी लगती जी। कई बीबिया का सुभाव भगती वाला हुंदा, नेक हुंदा जी। बीबी पानी जी साध संगत जी बड़े प्रेम वाले टिके हुए महाराज के दर्शन करने वास्ते आए अमृत वेले जी। तब चौंकी पर सतगुर चरे, महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह चौंकी ते सजे सन जी उस समय। हाँ जी, ध्यान धरन हित बैठन करे, ते महाराज लकड़ दी चौंकी ते बैठे तो ध्यान जोड़ रहे सन जी, अपना नेत्र बंद सन जी। आहोनी चौंकियां बंद होईयां जी। हाँ जी, हुण चौंकी किसे दे घर लभदी जी तुहानू? विरले विरले घरां च दी छोटियां छोटियां चौंकियां होंदियां सन बहन वास्ते जी, चौरस कढ़ियां होईयां लकड़ वालियां नहीं जी, वह वाण दियां बनियां होईयां जी। हाँ जी, दौन बिलोचन मुंद्रित करके, महाराज चौंकी ते बैठे ते दोवें नेत्र बंद महाराज दे, ते टिक गए जी, सुरती टिक गई जी महाराज। अंतरमुखी ब्रित को धरके, महाराज उत्थे जुड़ गए सच्चे पातशाह। कोई वड्डी गल नहीं है, महापुरख जुड़ जाते जी। बाबा अतर सिंह जी मस्तुआने वाले बैठे प्रशादा छकन दे, ते रसोईए ने दाल बड़ी वधिया बनाई जी। हाँ जी, ते जदों बाबा जी ने छकी ते बाबा जी कहिंदे भी बहुत वधिया लंगर बनाया, ते रसोईया पता की कहिंदा जी, हाथ जोड़ के कहिंदा सब वाहेगुरु की कृपा है। ते जदों उन्हें आख्या ना वाहेगुरु की कृपा, ते बाबा जी सुन के समाधि च चले गए जी, समाधि लग गई जी। एक दिन दो दिन तीन दिन नहीं, तुसी हैरान होवोगे, 12 दिन लगातार अखां बंद रखियां जी, ना कुछ खाधा ना कुछ पीता,
एक टाइम का प्रशादा ना मिले तो बंदे का बुरा हाल हो जाता है जी। तो 12 दिन बाद जो नेत्र खोले तो भज के थाला लैके आया प्रशादे का, तो बाबा जी कहन लगे भी अरे हुणे तो छकिया सीगा तू फिर लै आया। कहन लगे वो कहिंदा हुणे नहीं 12 दिन हो गए महाराज। महाराज गुरु अमरदास साहब बैठे है सुरत जुड़ गई जी चौंकी ते, कोई पता थोड़ी कितने केड़े वेले जुड़ती है जी। होए अडोल तब लाए सो ध्यान, अडोल महाराज बैठ गए ध्यान लाके जी। शंभू समान गुरु भगवान ते महाराज अडोल बैठ गए जी। शंभू समान शिवजी वांगू हाँ जी। होते हीन चौंकी एक पावा, ओ ना जी एक पावा टुटा होया सीगा जी चौंकी दा। पेख पानी मन इन ठहरावा, ते ओ बस कुछ समय विच टोटी चला सीगा जी, क्रैक जिन्हों कह रहे हो रहा सीगा टोटी चला सीगा जी। बीबी भानी जी महाराज की धी है उन्हें वेख्या भी पावा टुट चला है। हाँ जी। हाल है पिता इतू जब होए, ते जदों इन्हें टुटना उदों चौंकी हिलनी डोलनी है ते महाराज की समाधि खुल जानी है। हाँ जी। चौंकी डोल जाए थित जोए, चौंकी डोलनी है महाराज ने हिलना है। हाँ जी। छुट है समाध अराध अगाधू, ते परमेश्वर च जेड़ी समाधि लगी ओ खुल जाएगी। हाँ जी। जिस हित जोगी जतन सो साधु, हुण जोगी इन्ना जतन करदे फिर भी समाधि नहीं लगती ते महाराज की तसुते सिद्ध लगी है जी। हाँ जी। पर है विखेप ध्यान के माही, ते ध्यान विच विघन पै जाएगा समाधि च विघन पै जाएगा। बिरत अडोल टिकह तब नाही, फिर ऐसी अवस्था बिरती टिकनी ते हुण ते गल बनी है। हाँ जी। अपर वस्त तह पाए ना कोई, होर कोई ते वस्तु है नहीं सी लागे जी। हाँ जी। पावै तरे तरे हित जोई, गज के आखो वाहे गुरु। पावै तरे तरे हित जोई भी जेड़ा वो बीबी जी पावे थले रख दे, पावे दी जगह ते रख दें दे कोई चीज वो लागे कोई विखे ना जी। हाँ। चौहों देश द्रिगन चलाए निहारा, फिर भी हार नहीं मनी जी, चारे पासे वेख्या भी कोई चीज लभ जाए। नह समीप जो देह अधारा, ओ थले आसरा देने वास्ते कोई भी चीज नहीं लभी जी। हाँ जी। उतलावत ने दीनस हाथ, बस फिर की सीगा जी, धन धन बेबे भानी जी ने छेती काली दे नाल उधरों पावा टुट गया जी, उधरों छेती छेती हाथ दे दिता जी अपना जी। कई शरीर बड़े सोझी वाले होंगे है, बड़ी फुरती वाले होंगे है, उन्होंने पता होंदा भी किहड़े समय की करना जी, ते कई एडे ठोलू होंगे उन्होंने पता ही कुछ नहीं लगता जी, पता ही नहीं लगता जी कुछ। हाँ जी। ते बीबी जी बीबी भानी जी ने उस वेले हाथ देता जी थले जी। हाँ जी। नह डोले चौंकी ते साथ, जिरे नाल चौंकी ना डोले ते महाराज टिके रहन सच्चे पातशाह। चौहो पावे पर एक सम भारू, चारे पाव्या ते बराबर भार होण करके जी। हाँ। होत पयो सब लीन सहारू, ते बीबे जी होना भार सह लिया जी। हाँ जी। तन इस्त्री कर कोमल कर है, पर फिर भी इस्त्री दा शरीर है कोमल हाथ ने। हाँ जी। पयो भार ते पीड़त तर है, ओ भार ते महाराज जी दे शरीर दा है ही है, भावे चार हिस्सिया च वंडिया पर पावे दी थां ते हथ कीता दर्द होवे हथ जी बड़ा। तउ ना करियो डुलावन कर को, ते साध संगत जी फिर भी बीबे भानी जी ने बड़ा धीरज रखिया ते हथ नहीं डुलाया जी। हाँ जी। बैठी रही धीर धर उर को, ते कमाल दी गल है मुखों सी तक नहीं आखी जी, गज के आखो सी तक नहीं आखी जी। वो एक रस लगातार भार सांभिया महाराज का। पावा रहे हथेरी गड के, वो हथेली दे विच गड्या रहा जी पावा जी। हाँ। नह निकासत तेह थल छड के, ते हाथ परा नहीं कर रहे बीबी भानी जी, मानो पावे नाल ही हाथ गड्या गया जी। हाँ। पुरखन को दुष्कर बहु जोई, ये काम ते बंदियां वास्ते भी औखा जी। हाँ जी।
भगत पिता की हित किए सोई। ये तो फिर स्त्री जामा तो वेख लो पिता की भगती किवें चित ला के बीबी भानी जी ने की जी। हाँ जी प्रात होन लग नाहन हाली हाँ। मन हो मूर्ति चित्र निकाली। हुण महाराज सच्चे पातशाह लगातार दो तीन घंटे बैठे जी, दिन चढ़न तक ना जी महाराज उठते नहीं सी हुंदे जी। ते बीबी भानी जी मूर्ति का रूप होके उत्थे बैठे रहे जी, उंज ही बैठे रहे जी, अपना शरीर नहीं हिलण दिता, मुखों कोई बचन नहीं किया, पिता जी की समाधि लगी कोई खुल ना जावे जी। ते हे मेरे वाहिगुरु, हुण बीबियां की कर दियां, घर वाला कित पाठ कर रहा हो तो बुलाई जाना, बुलाई जांदियां कहिंदियां जा नहीं लिया आ नहीं लिया, उन्हूं इन्ना बुला 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 तंग कर देंदियां, उन्हूं पाठ छड़ के विच बोलना पैंदा जी, बोलना पैंदा जी। ध्यान रखियो कोई बाणी पढ़ रहा हो सहयोग दियो ताकि इहदी बिरती जुड़ी रहे, यह पढ़ता रहे, ओदे हिस्से का काम भी आप कर दियो, तुहानू पुन लगेगा। ते जे तुसी ओदे काम च भी रुकावट पाओ, पुन दी थां ते पाप लगेगा, ध्यान रखना चाहिए। कोई बाणी पढ़ रहा होवे सत्संग जी, ओदे काम च रुकावट नहीं पाउणी। ओ बीबी भानी जी डटे रहे जी, दिन चढ़न तक लगातार लगे रहे जी। पूजा सून कंधे लग पई, ओ नाड़ा फुल गईया जी, फिर जी हाँ जी नाड़ा सुल गया जी, बां थक गई जी बड़ी बुरी तरह। हाँ जी उतरे रुधिर लाल होए गई, ते तुहानू पता है भी वह फिर खून ते रुकना ही सीगा जी, इधरों उपरों लाल हो गई बां सारी जी। ध्यान हटावन समो पयो जब, उधरों महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी दे नेत्र खोलन दा समा हो गया जी। हाँ जी कमल बिलोचन बिगस पे तब, कमल नैन सच्चे पातशाह जी ने बड़े प्रेम नाल सहजे सहजे नेत्र खोले जी। हाँ जी बैठी सुता समीप निहारी, महाराज की वेखते भी अज धी राणी लागे बैठी है। हाँ जी बाहरो दृष्ट पूजा पर डारी, करद्या करद्या बांह वल तकिया महाराज ने। हाँ जी धूल नसा श्रोणत पर रहे हो, नाड़ा फुलियां पईयां ते लहू नाल भरियां सन जी, नाड़ा फुल जांदियां जी। हाँ जी श्री सतगुर बूजन हित कहियो, ते महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज पुछण लगे जी। हाँ जी ये क्या कीन रही क्यों बैसी, महाराज कहण लगे भानी ये की कीता क्यों बैठे हुए हो। हाँ जी भुज पर पीड़न देखत ऐसी, तुहाडी बांह ते इन्नी पीड़ वेख रही है। हाँ जी सुन बोली बड़ भागा भानी, अजे महाराज उठे नहीं है, बीबी भानी जी बचन करन दे है बड़े भागा वाले। हाँ जी पित जी पावै हीन पछानी, पिता जी तुसी सज्जे पावा एकदम टुट गया। हाँ जी निकट बिलोकन कशु ना कीन, मैं नेड़े वेख्या पर मैनू कुछ नेड़े विख्या नहीं। हाँ जी जानते हाथ तरे मैं दीन, इस करके मैं थले हाथ दे दिता अपना। हाँ जी डोले ते समाध छुट जाए, क्योंकि जे ना देंदी ते पीड़ा डोल जाना सी, समाधि छुट जानी सी। राखी यांते सथल टिकाए, इस करके महाराज मैं हाथ टिकाई रखिया अपना। वेखो किन्ना एक औरत दे शरीर च होके किन्ना बल किन्ना धीरज किन्नी शांति है। हाँ जी तब श्री सतगुर तरे उतर कै, हुण एक दम जे महाराज उठण ना उहदा भी नुकसान है। गज के आखो वाहिगुरु सहजे जे महाराज ने हौली हौली भार चुकिया जी चौंकी तो पीढ़ी तो। हाथ निकासियो प्रेम ने हर कै, बेबे पानी जी ने हाथ बाहर कढ़िया जी अपना जी। गज के आखो वाह गरत हथेरी बिखे निहारा, ते महाराज ने आप हथ फड़ के वेख्या टोया पै चुका सी बेच जी। हाँ जी इतने तो सिक्का ही पांच मिनट ऐ कर दे ओ थां बना लेंदा जी, बोला जी हुंदा हथ जी उतों। कहो खेद बीबी किम तारा, महाराजा हथ वेख के कहन लगे धी राणिए
तू इन्ना खेद क्यों कीता कहन लगे हाँ जी पित जी हमरी मत अनजानी वाह 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 गुरु रामदास जी वाली बोली बोलन दे जी बीबी भानी जी कहते महाराज मैं ते अनजान जी हैगी है मैनू ते कुछ नहीं आउंदा होए ना सकहै सेव गुण खानी महाराज सच्चे पातशाह तुसी ते महाराज रब रब असी तुहाडी सेवा करनी थोड़ी जानदे आ किवें सेवा करनी है निसबा सुरमै रहत बिसूरत कमाल दी गल है वेखो किन्नी निमरता जी उत्तों कहिंदे महाराज मैं तो दिन रात झूरदी रहनी आ सच्चे पातशाह आहो आप परमेश्वर मूरत तुहाडी सेवा नहीं हुंदी ते तुसी महाराज आप रब हो आप रब हो आप परमेश्वर हो सच्चे पातशाह सफल नेत्र जे दर्शन करे सच्चे पातशाह जेड़े तुहाडे दर्शन करदे उहनां दीआं अखां सफलियां ने किन्नी शरधा जी करो नेत्रां नाल दर्शन महाराज दे महाराज वाल करके ना ध्यान हाथ जोड़ के सिर झुका के कहो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हाँ जी हाथ सफल टहल जो अनुसरे ते महाराज जेड़े हाथ तुहाडी टहल करदे तुहाडी सेवा करदे महाराज वो भी सफल है रिदा सफल जिसमें तुम बसो ते महाराज नेत्र सफल तुहाडे दर्शन करके सच्चे पातशाह हाथ सफल तुहाडी सेवा करके ओ हिरदा सफल जिहदे विच तुसीं वस गए हाँ जी चरण सफल तुम हित चल जासो ते चरण पैर ओ सफले जिहड़े तुहाडे कोल आउंदे साध संगत तुसीं चल के गुरु साहिब दे घर आए तुहाडे चरण सफले ने तुसीं नेत्रां नाल गुरु जी दे दर्शन कीते तुहाडियां अखां सफलियां ने ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸਫਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਫਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਕਲ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਵਡਭਾਗੇ ਜੋਰਾਵਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਤਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਪਿਖ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਨ ਜਿਸ ਭਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਰ ਦਇਓ ਸੁਜਾਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਤ ਤੇਰੀ ਬਧੈ ਮਹਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਨੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਬੜੀ ਵਧੇਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤਾਨ ਕੌਣ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਤਰੇ ਕੌਣ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪੂਜ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੋਤਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਬੇਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸੋ ਚੜ੍ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੂਜ ਜਿਵੇਂ ਦੂਧ ਦਾ ਚੰਦ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜ ਐਸ਼ਵਰਜ ਬਧੈ ਤਿਮ ਆਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਜ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਵਧਣਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸੇਵਹਿ ਸੋ ਵਡਭਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਭਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਗੇ ਬੰਸ ਬਿਖੈ ਨਿਪਜੈ ਹੈ ਮਹਾਬਲੀ ਸੇ ਜਗ ਮੈਂ ਹੋਇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ
ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਗਹਿ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਘਾਵਹਿ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੋ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਵਹਿ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮ ਧਰਮ ਪੀਰੀ ਅਰ ਮੀਰੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲਓ, ਅਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਹਿ ਆਪ ਦੇ ਅਪਰਤ ਗੀਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਜਹ ਜਹ ਜੈਕਾਰੋ, ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹਦੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਹਿ ਉਧਾਰਨ ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਢ ਬੰਸ਼ ਕਹੋ ਵੱਡ ਵਡਿਆਈ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੈਂ ਕਰ ਭਗਤ ਭਲੇ ਅਬ ਪਾਈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਵਿਖੇ ਤੁਝ ਜੈਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਨੀ ਤੇਰੇ ਜੈਸੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਵਿਖੇ ਤੁਝ ਜੈਸੀ, ਹੋਈ ਨਾ ਹੈ ਹੋਏਗੀ ਐਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜਗ ਗੁਰ ਹੋਏ ਕੰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਭਾਗ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਮਹੰਤ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਹਿ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਕਿਆ ਅਬ ਕਹੈ ਤੋਰ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਆ ਅਬ ਕਹੈ ਤੋਰ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕੀ ਸਮ ਕੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਕਾਈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਰ ਦੀਏ ਵਿਸਾਲ, ਉੱਤਮ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਣ ਕਰ ਜੋਰਤ ਔਰ ਸਨਮਾਨੀ, ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜ ਭਾਗਨ ਨੇ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਿਤ ਬਾਣੀ ਸਾਚੀ ਨਿਤ ਜਾਨੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਵਰ ਦੇਵਨ ਤੇ ਬਹੁ ਹਰ ਖਾਨੀ, ਬੇਬੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਆਇਸ ਲੈ ਗ੍ਰਹਿ ਬਿਖੈ ਸਿਧਾਈ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਬੋਤਮ ਪਦ ਨੂੰ ਨਿਜ ਪਾਈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਣੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾ ਭਗਤ ਕੇ ਬਸ ਗੁਰ ਸਵਾਮੀ, ਦੇਤ ਅਦੇ ਸੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।